हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आज मैं यहाँ सीबीएस कोचिंग में हूँ। सीबीएस कोचिंग के डायरेक्टर श्री धनंजय सिंह जी हमारे साथ हैं और मौका है सीबीएस कोचिंग में जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया था उनकी मदर्स को सम्मानित करने का, क्योंकि जब बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं तो उनके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, जिसमें उनकी जो मदर्स होती हैं उनका सबसे अहम रोल होता है, क्योंकि सुबह उठने से ले कर शाम तक का पूरा रूटीन वही हैंडल करती हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव था जो सीबीएस कोचिंग की तरफ से लिया गया, जिसमें मदर्स को सम्मानित किया गया। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो परिणाम रहा बच्चों का, आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर? सर परिणाम देख के मतलब इतनी हमको खुशी हुई है। उम्मीद तो पहले से ही था, क्योंकि साल भर से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2 साल 4 साल से हैं, तो पहले से अंदाज़ा तो था कि किस बच्चों का अच्छा आएगा। लेकिन कुछ बच्चों ने, हमारा अंदाज़ा था कि इतना परसेंट आएगा, उससे कई गुना ज़्यादा परसेंट ले आए हैं, तो ये बात पे ज़्यादा खुशी हुई जी कि हमारे उम्मीद से भी ज़्यादा बच्चों ने लाया जी। जब बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो कई तरह के बच्चे होते हैं, कुछ बहुत शार्प होते हैं, कुछ उतना बढ़िया तरीके से चीज़ों को ग्रिप नहीं कर पाते, तो कितना चैलेंजिंग होता है इस तरह के अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को एक साथ लेके आना और इतना बेहतर परिणाम देना? सर शुरुआत में जब हमारी कोचिंग के कई वर्षों पहले ये चैलेंज आता था, लेकिन फिर हम लोगों ने कुछ बैचेस डिवाइड किए, जैसे टॉपर्स बैच हुआ, रैंकर बैच हुआ, आपका जीनियस बैच हुआ, तो फिर उस हिसाब से हम लोगों ने बच्चों को उस बैच में रखा है जिसमें अगर वो धीमे धीमे समझना चाह रहे हैं तो भाई आप इस बैच में हो जाइए, अगर आप फाउंडेशन लेवल का समझना चाह रहे हैं तो आप इस बैच में आ जाइए। तो उससे थोड़ा सा हम लोगों को आसानी हुआ, हमारे टीचर्स को आसानी हुआ पढ़ाने में, और उससे रिज़ल्ट आपके सामने आज है कि आज हमारा जीनियस 30 बैच जो है इसमें मार्केट में उसका बहुत ज़्यादा मतलब नाम हो रहा है, और जब से रिज़ल्ट निकला है तब से काफ़ी एडमिशन्स भी हुए हैं इसी नाम पे, जीनियस 30 बैच पे। उसमें आपने अभी देखा है कि हमारा पैम्पलेट भी आया है, उसमें 20 बच्चों खुद आपको दिख रहे हैं कि 85-90 से ऊपर पाए हुए जी। जो 10 बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं 80 के राउंड अप में हैं, लेकिन चूंकि उसमें जगह नहीं है तो 20 का ही किया, और G30 के सभी बच्चे बहुत अच्छा नंबर लाए हैं, तो G30 नाम से है, तो इससे बहुत सहूलियत हम लोग को मिली जी। एक प्रश्न मैं लेना चाहूँगा इस प्रोग्राम को देखते हुए कि इतने अच्छे परिणाम के पीछे बहुत सारी चीज़ों की चर्चा होती है, लेकिन जो मदर्स होती हैं, जो माताएं होती हैं बच्चों की, उनका कितना अहम किरदार होता है इसमें? तो 100% होता है, 100% जी। अगर मैं बोलूँ तो 100, जब कभी किसी माता जी का कॉल आता है अपने बच्चे को लेके कि अभी घर नहीं आया, बच्चा घर पर अभी नहीं आया, या सर इतना नंबर कम क्यों आया, या खुशी होती है कि सर बहुत अच्छा नंबर आया, तो मैक्सिमम टाइम हमारी जब मैम लोग बात करती हैं तो पिताजी लोग तो अपने सर्विस में दुकान में है, लेकिन मम्मी लोग ही फ़ोन उठाती हैं, तो वही लोग बात करती हैं, उनके बात से ऐसा लगता है कि वो कितना एक्टिव हैं। आज के समय में जो पहले की जो माताएं थी वो आशीर्वाद दिया करती थी, लेकिन आज की माताएं जो हैं वो आशीर्वाद के साथ साथ पूरा ध्यान भी लगा रही हैं, पढ़ी लिखी माताएं हैं, वो देख भी रही है कि इस सब्जेक्ट में कम आया है, इस सब्जेक्ट में नहीं है, उनका कंप्लेन भी आता है कि सर इंग्लिश के वजह से थोड़ा सा नंबर बच्चों का कम आ जा रहा है, तो इंग्लिश पर थोड़ा और ध्यान दिया जाए, तो ये अच्छा लगता है सुनने में, और कि चलिए गाइडेंस मिल रहा है, एक सजेशन मिल रहा है, और नारी शक्ति के रूप में जो है उनसे सजेशन मिल रहा है, तो अच्छा। मुगलसराय में आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पहले से सक्रिय हैं, इस बीते हुए पिछले 10 से 15 सालों में आप शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का बदलाव देखते हैं? मुगलसराय में एजुकेशन को लेकर पेरेंट्स या लोग कितने जागरूक हुए हैं? सर पहले की अपेक्षा अभी तो जागरूक, हमने पहले भी बताया कि अब जागरूक सब लोग हो गए। पहले जैसे कहीं एडमिशन्स करना था तो पिताजी ही आते थे, हम लोग के समय में भी ऐसा था, लेकिन आज हमारे यहाँ जब भी देखेंगे हम एडमिशन्स के लाते तो मैक्सिमम मम्मी लोग के साथ आते हैं, और ये साबित करता है कि नहीं एजुकेशन लेवल यहाँ बहुत बढ़ रहा है जी। और इसमें मीडिया का भी हाथ बहुत बढ़िया, आप लोग तो खुद भी देख रहे हैं एजुकेशन को बढ़ाने में लगे दिन रात, इस समय आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी देखिए एक बड़ी बात है एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, तो मीडिया को भी मैं धन्यवाद कहूँगा एक तरह से। आखिर में चलते चलते मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि इतने वर्षों के उपरांत, चूँकि आपको बहुत लंबा अनुभव है, आपने बहुत बेहतर रिजल्ट दिया है, अब अगला टारगेट या उद्देश्य क्या है, किस तरह का अचीवमेंट आप पाना चाहते हैं अपने कोचिंग के थ्रू इस नगर में?
सर अभी मैं अपने नगर के सभी बच्चों से पेरेंट्स से ही कह रहे हैं कि हम लोग को इंडिया टॉप पे ध्यान देना चाहिए जी। क्योंकि अगर किसी शहर का या जिले का नाम अगर कहीं लाना है तो कुछ बड़ा काम वहाँ से होता है तो उसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो कहीं पे जैसे कोयला का खदान मिला या कहीं पे सोने का मिल गया, कहीं पे कोई सिंगर बना तो उसके ज़िले का नाम होता है। तो मैं जिस फील्ड में हूँ एजुकेशन फील्ड में, तो हम एजुकेशन फील्ड में तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते। तो हमारे पास क्या है, हमने डिस्ट्रिक्ट टॉप काफ़ी दे दिया है जी। 98.2% 99% तक बच्चों का आ चुका है। तो अभी मेरा सपना खुद का जो है, और मैं बच्चों से बात कहता हूँ पेरेंट्स से कि अभी हम लोग को इंडिया टॉप करना है, इंडिया के लिस्ट में पहला नाम आए, ये मेरा सपना है। चलिए, तो आपकी इस इच्छा को ऊपर वाला पूरा करें और इस अपार सफलता के लिए पूरे सेवेस परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन भी पेरेंट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया उनसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। एक लास्ट में अगर चाहूँगा तो जी बिल्कुल, मैं पेरेंट्स को धन्यवाद कहना चाहूँगा जी कि एक बच्चे के प्रोग्रेस में चार लोगों का हाथ होता है। 25% तो बच्चा खुद है, 25% जो है कोचिंग सेंटर है, 25% जो है आपके उनके माता पिताजी हैं, और 25% स्कूल है। ये चारों जब मिल के काम करते हैं तब जाके एक बच्चा बहुत अच्छा नंबर लाता है। इसमें अगर उसका चारों पिलर में अगर एक पिलर भी कमज़ोर हो जाता है तो वही बच्चों का नंबर कम आ जाता है। तो इसमें बच्चों की पूरी तरीके से गलती नहीं होती है, हम चारों पिलर को मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। तो इसके साथ हम सभी स्कूल को कोचिंग सेंटर को, बच्चों को, और अपने यहाँ के खुद मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत किया है। मैं यहाँ पे इस मंच से अपने टीचर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम बात करते हैं कुछ पेरेंट्स से और उनके रिएक्शन को जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं इस बेहतर परिणाम को लेकर। CBS कोचिंग की तरफ से शानदार पहल। जिन बच्चों ने CBSE बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त किए उनके पेरेंट्स को और ख़ासतौर से उनकी मदर्स को CBS कोचिंग ने सम्मानित करने की पहल शुरू की। क्योंकि जब बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनके प्रदर्शन के पीछे उनकी मदर्स का भी बहुत अहम रोल होता है। आप वीडियोस में देख सकते हैं कि उनके पेरेंट्स के खिले हुए चेहरे, और वो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उनके बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया और उनकी जो मेहनत थी अपने बच्चों के पीछे आज उनकी मेहनत सार्थक हो गई। और इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने CBS कोचिंग को भी बहुत धन्यवाद दिया, बहुत तारीफ की। न सिर्फ पेरेंट्स बल्कि CBS कोचिंग की पूरी टीम इस बात से बहुत खुश नज़र आ रही थी और पूरा टीम सेलिब्रेट कर रहा था क्योंकि उनके बच्चों ने न सिर्फ नगर में बल्कि ज़िले में CBSE बोर्ड में अपना नाम रोशन किया है। तो आइए हम सबसे पहले पर्चे लेते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि जो स्टूडेंट्स CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे अंक लेके आए हैं, अच्छे नंबर लेके आए हैं, कितनी खुशी महसूस हो रही है और इसके पीछे क्या कुछ स्ट्रगल रहा। तो मैम, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मैं नमस्कार, मैं पूजा जगोता, और मैं बहुत CBS कोचिंग के डायरेक्टर धनंजय सर और आशुतोष सर और CBS कोचिंग की पूरी टीम को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस कोचिंग के माध्यम से बच्चा मेरा आज 90% लेकर पास हुआ है और बहुत बड़ा योगदान रहा इस कोचिंग का। इस कोचिंग के माध्यम से बच्चा मेरा आज यहाँ तक पहुँचा है, बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। और आगे भी मतलब कोचिंग के माध्यम से बच्चा मेरी मेहनत करता रहेगा और लाइफ में आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद CBS कोचिंग की टीम को। एक और क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब आपके बच्चे ने यहाँ पर एडमिशन लिया तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, और अभी क्या आप कह सकती हैं कि उस एक्सपेक्टेशन पे जो CBS कोचिंग है वो खरा उतरा है? जी, मतलब इस कोचिंग की तारीफ कितनी भी करूँगी कम है। बहुत मतलब यहाँ का नाम मैंने सुना था CBS कोचिंग का, पहले भी मेरा बच्चा कहीं पढ़ता था लेकिन वहाँ से मैं बहुत खुश नहीं थी, पढ़ाई से खुश नहीं थी। लेकिन जब से मेरा बच्चा यहाँ आया है, यहाँ पर मुझे ये सबसे अच्छा लगता है कि बच्चों का जो वीकली टेस्ट होता है, बच्चों को मतलब वन चैप्टर पढ़ाने के बाद मतलब अगले डे में उनका टेस्ट लिया जाता है, ये बहुत मतलब मुझे यहाँ का ये अच्छा लगता है। बाकी कोचिंगों में होता है क्या, 15 दिन महीना भर टेस्ट ही नहीं हो रहा, बच्चा क्या पढ़ रहा है, कोई नॉलेज ही नहीं है। बच्चा यहाँ से जब जाता है तो मैं बच्चे से
पूछती हूँ बेटा कोचिंग में क्या पढ़ाया गया, आप मुझे बताओ, आप पढ़ के मुझे रीड करके बताओ कि आपको क्या समझ में आया, कोचिंग में जो टीचर ने पढ़ाया आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। बच्चा कहता नहीं मम्मी बहुत अच्छा सर समझाते हैं, बहुत बारीकियों से मतलब हम लोगों पर ध्यान देते हैं, और बस मैं अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, जितनी भी तारीफ़ करूँ CBS कोचिंग के लिए उतना कम है। थैंक्स धनंजय सर, आशुतोष सर और CBS कोचिंग के सारे टीम को, थैंक यू जी। मैं अगला प्रश्न जो अगली मदर है मैं उनसे लेना चाहूँगा कि मैम जब आप के बच्चे ने यहाँ पे एडमिशन लिया तो वो किस क्लास में पढ़ रहा था? ये शुरू से ही हम इनको CBS कोचिंग पढ़ा रहे हैं, इनके बड़े भाई भी यहीं से पढ़े हैं और बड़ी बहन भी यहीं से पढ़े हैं, और 4 क्लास से हमारा बच्चा यहाँ एडमिशन लेकर पढ़ रहा है, और हमारी बेटी भी गवर्नमेंट जॉब में है और बेटा भी हमारा बीटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बीटेक करने के बाद, तो इसलिए हमें शुरू से ही इस कोचिंग पे बहुत ही भरोसा बहुत ही विश्वास है, और बच्चा हमारा तीनों बच्चे हमारे इसी में इसी कोचिंग से पढ़कर आगे, और ये इसको भी अब आगे बढ़ रहा है तो बस इसी कोचिंग से। कुछ इन्फॉर्मेशन देने चाहेंगी कि आपके बच्चे ने कितना परसेंट स्कोर किया है और क्या नाम है उनका? सबसे छोटा बेटा हमारा ये उत्कर्ष कुमार वर्मा है, ये 94% लाया है, और मैथ में इसका 98% है, और ये इंजीनियरिंग आईआईटी में आना चाहता है जी। तो आप ये कह सकती हैं कि इतने सालों के एजुकेशन के बाद आप CBS कोचिंग के परिणाम से संतुष्ट हैं? हाँ, CBS कोचिंग से, क्योंकि बड़ा बेटा पहले जब यहाँ एडमिशन लिया और उसका अच्छा मार्क्स आया, फिर उसके बाद मेरी छोटी बेटी आई, उसके बाद ये सबसे छोटे बेटे हैं, तो इसलिए हम तो आँख बंद करके CBS कोचिंग पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसका रिजल्ट देखा है, तो इसलिए हमको इस पर बहुत भरोसा है। कुछ ऐसे इंसिडेंट और कुछ ऐसे किस्से को शेयर करना चाहेंगी जहाँ पे आपको लगा कि शायद बच्चा सही नहीं कर रहा है और आप कोचिंग के पास आई और कोचिंग से आपको वो सपोर्ट मिला? नहीं, कोचिंग में धनंजय सर और इटोनी सर, बच्चे मेरे शुरू से कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत ध्यान देते हैं, और ये मतलब वीकली टेस्ट होता है और संडे को भी ये बुला के अपना तैयारी करवाते हैं, तो इसलिए हमको इस पर मतलब पूरा गर्व है। ठीक है, आपके बच्चे ने इतना अच्छा स्कोर किया है उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और मदर हमारे पास, और हैप्पी मदर बोल सकते हैं क्योंकि CBSE बोर्ड में आपके बच्चे ने बहुत बढ़िया स्कोर किया है, तो आइए हम पर्चे जानते हैं और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे ने कितना परसेंट स्कोर किया है। तो मैम सबसे पहले आप अपना पर्चा बताएं। नमस्कार, मैं सोनी चौधरी, मेरा लड़का शुभम कुमार यहाँ से क्लियर किया है 10th बोर्ड और उसने 90% मार्क्स लाया है इस बार जी। तो इस कोचिंग में बच्चे ने किस क्लास में एडमिशन लिया था? 9th से सर कर रहा था वो। और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और अभी आप कह सकते हैं कि आप CBS कोचिंग से संतुष्ट हैं? जी सर, मैं तो संतुष्ट बहुत अच्छे से हूँ, क्योंकि सर यहाँ बहुत ध्यान दिया जाता है और एक्स्ट्रा क्लास भी होता है बच्चों के लिए, इससे बच्चा अच्छा से अपना तैयारी कर सकता है आगे भी। कोई ऐसा खास कोऑपरेशन जो आपको यहाँ से मिलता है और आपको लगता है कि नहीं वो एक बेहतर चीज़ है अपने बच्चे को समझने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए? कोऑपरेशन सर ये है कि हमेशा PTM यहाँ होते रहता है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो पेरेंट्स आकर के अपना क्लियर कर लेते हैं, और बच्चे बहुत अच्छे से यहाँ पढ़ाई कर लेते हैं, और नहीं समझ में भी आता है तो एक्स्ट्रा क्लास में अपना सॉल्व कर लेता है। तो ऐसी बहुत सारी मदर्स हैं जो हमारी वीडियोस को देखती हैं, तो मैं कुछ सीक्रेट जानना चाहूँगा कि बच्चे के पीछे क्या कुछ मेहनत करनी पड़ती है आपको ताकि वो इस जगह पे पहुँच पाए, कुछ अपना सीक्रेट बताइए। मेहनत तो सर बच्चों का ही है, मम्मी लोग का है कि करते रहो बढ़ते रहो आगे, और तो बाकी सारे टीम का है कोचिंग का सर, CBS कोचिंग का। तो जैसा कि आपने देखा कि बोर्ड एग्ज़ाम के निकलने के पश्चात CBS कोचिंग ने एक विशेष इनिशिएटिव लिया जहां पर इन्होंने मदर्स को सम्मानित किया, क्योंकि इतने बेहतर परिणाम के पीछे मदर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि टाइम पर टिफ़िन को तैयार करना, कई बार बच्चे स्ट्रेस में होते हैं या कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू होता है तो बहुत ही सेंसिटिव होकर उनको उनकी देखभाल करना। तो कंग्रेचुलेशन टू CBS कोचिंग कि आपने इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया, और आपके इस वीडियो को और इनिशिएटिव को देखने के बाद और भी जो
मदर्स हैं वो इम्पावर्ड फील करेंगी और बहुत पूरे जी जान से अपने बच्चे के पीछे लगेंगी। हालांकि मदर्स को किसी तरह के कंपनसेशन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब अप्रिसिएशन मिलता है तो जो हमारा उत्साह होता है वो और दुगना हो जाता है। तो इस इनिशिएटिव के लिए मैं सी बी एस कोचिंग को बधाई देना चाहूँगा। हमारे साथ कुछ और पेरेंट्स जुड़े हैं जिनके बच्चे सी बी एस कोचिंग में पढ़ते हैं और जिन्होंने बहुत अच्छे अंकों से अच्छे मार्क्स से सी बी एस ई बोर्ड को पास किया है, तो आइए हम उनसे भी रिव्यू लेते हैं कि कितना संतुष्ट हैं वो अपने बच्चों की परफॉर्मेंस से। तो सर, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम विनोद प्रकाश वर्मा है, मैं जनपद न्यायालय में पेशकार हूँ। मेरा बच्चा उत्कर्ष कुमार वर्मा, वो शुरू से ही सी बी एस कोचिंग में ही दाखिला लिया और यहीं से पढ़ता रहा। हमारे तीनों बच्चे यहीं से पढ़े और अच्छे अंकों से लाए। तो हमारा एक्सपीरियंस यही है कि सबसे अच्छा सी बी एस कोचिंग है मुगलसराय में, इससे अच्छा कोई कोचिंग नहीं है। सी बी एस कोचिंग में जब आपके बच्चों ने एडमिशन लिया तो आपकी प्राथमिकता सी बी एस कोचिंग ही क्यों थी? सी बी एस कोचिंग सबसे अच्छा हमको लगा यहाँ पर, और हमारे घर से बगल में था, और हमारे सभी लोग जो अध्यापक गण है हमारे परिचित थे और वह जानते, हम जानते थे कि अच्छा पढ़ाते हैं, और उनके पढ़ाने का परिणाम भी अच्छा मिला हमको, और हमारे सभी बच्चे अच्छे लगे। हमारा ये लड़का भी 94% मार्क स्कोर किया है और अच्छे नंबर इसके रहे हैं। तो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस के ऊपर आप कैसा फील कर रहे हैं और सी बी एस कोचिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो बहुत हर्ष का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि इसमें सी बी एस कोचिंग का बहुत योगदान रहा है। सी बी एस कोचिंग के माध्यम से ही मेरा बच्चा समय से पढ़ता था, समय से करता था, कुछ मैं भी घर में पढ़ा देता था ताकि मैथ होते घर में पढ़ाता था, और सी बी एस कोचिंग से भाई भी इसका जो है इसको पढ़ाता था, कोऑपरेट करता था। इसकी सिस्टर थी, सिस्टर जो भी सर्विस लग गई है वो भी जो है पढ़ाती थी, और कोचिंग के माध्यम से इसका सबसे बढ़िया जो है पढ़ाई था, और अच्छी पढ़ाई के कारण ही जो है ये धनंजय सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैथ तो अच्छा पढ़ाते हैं, आशुतोष सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये चर्चा करते थे कि अच्छा पढ़ाते हैं, हम देखते भी थे कि मैथ वगैरह में ये बहुत मेहनत करता था, इसलिए यहाँ का इसको यहाँ का जो रिजल्ट रहा बहुत बढ़िया रहा, और मैं इनके कोचिंग की उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि बहुत आगे जाएगा इनका कोचिंग, बहुत अच्छा कोचिंग का रिजल्ट रहा है। कोचिंग हमेशा जो है अच्छे लड़कों को निकाला है इस कोचिंग ने। हमारे साथ एक और पेरेंट्स जुड़े हैं, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और मैं ये भी पूछूंगा कि सी बी एस कोचिंग के परिणाम से आप कितने संतुष्ट हैं और अच्छे परिणाम को लेकर आप कैसा फील कर रहे हैं? धन्यवाद। मैं तुलसी चौधरी रेडियो में SSC हूँ। हमारा लड़का शुभम कुमार सी बी एस कोचिंग में क्लास 9 से कोचिंग कर रहा है। यहाँ सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई है और प्लस 7 दिन पढ़ाई है, बीच में कोई छुट्टी हॉलीडे नहीं, इसीलिए बच्चों को भी इधर उधर डाइवर्ट होने का टाइम नहीं मिलता है और पढ़ाई में ही लगे रहते हैं। मैंने बहुत पता किया जब क्लास 9 में मुझे ज़रूरत पड़ी कि नहीं अब कोचिंग देना है, तो टीचर के भी बारे में पता सोचा कि कहीं मिल जाए, लेकिन पता करने के बाद पता चला कि नहीं, अगर मुगलसराय में कोई है तो सी बी एस कोचिंग ही बेटर है, और वहीं इसीलिए मैंने यहाँ पर क्लास 9 से अपने बच्चे को दिया और वो अभी बोर्ड में 90+ मार्क्स लाया। तो इसके लिए मैं सी बी एस कोचिंग के आशुतोष सर, धनंजय सर और पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो अभी आप देख रहे थे कि मेरे साथ सी बी एस कोचिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स यहाँ पे उपस्थित थे, और अभी आप उनके रिव्यू को सुन रहे थे कि सी बी एस कोचिंग से वो कितने संतुष्ट हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।